Hello viewers, welcome to EQ International Magazine, India's oldest and leading solar media. Today we have Mr. Manish from INA. A very warm welcome to EQ, sir. Thank you and good evening to all. Good evening, sir. Sir, आप मुझे INA के बारे में कुछ डिटेल में बताएंगे? देखिए, INA हम लोगों ने जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2017 में शुरुआत करी थी. हम जयपुर राजस्थान बेस्ड कंपनी है. And currently we are one of the largest solar panel manufacturer in the Rajasthan and one of the biggest in the North India. And currently we are having a capacity of cumulative capacity 950 megawatt. We have two units in Jaipur. One is for M10 and G12 solar panels and another is for poly and G1 solar panels. And company, since we started from year 2017 till then, the only we are focusing on the quality and commitment. And that is our the main and the focusing part of the insulation and the main strong part of the insulation. So the company started from a manufacturing capacity of 50-60 megawatt just 6 years back, and right now we are more than 950 megawatt of the manufacturing capacity with upcoming of the gigawatt scale of the manufacturing capacity. This is the strength of insulation energy. Wow, sir, that's really great. Sir, can you please let me know about your past experience? कैसा रहा आपका 2023 एंड आगे का विजन 2024 के लिए क्या रहेगा? लास्ट 2023 हमारा बहुत अच्छा रहा. हम लोगों ने लास्ट ईयर अपनी M10 मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी. हम लोगों ने कंपनी बनाई नई इंसुलेशन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 100% होल्ली सब्सिडियरी है हमारी पेरेंट कंपनी इंसुलेशन एनर्जी का. कंपनी हिंदुस्तान की पहली कंपनी रही इंसुलेशन एनर्जी जो प्योरली सोलर पैनल मैन्युफैक्चर रही, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोग लिस्ट हुए. हम लोगों ने एक बहुत अच्छा मार्केट के लिए बेंचमार्क क्रिएट किया. वी आर फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जो प्योरली सोलर पैनल मैन्युफैक्चर है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हमने एक बहुत सक्सेसफुल अपनी लिस्टिंग करी और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा अपने कंपनी का रिटर्न दिया. 2023-24 जो अभी चल रहा है, ये साल कंपनी का जो टॉप लाइन की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर के टॉप लाइन से हम लगभग 3 गुना टॉप लाइन इस साल करेंगे, और कंपनी शुड बी टच समवेयर अराउंड मोर देन 700 करोड़ रुपीज ऑफ द टॉप लाइन दिस ईयर. एंड 2024-25 मींस FY25 जो है हमारी बहुत अच्छी प्लानिंग है. कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम सोलर पैनल की लगभग 2 गीगावाट से प्लस की लेने के जा रहे हैं, और कंपनी का जो हमारा टारगेट टॉप लाइन है 1500 करोड़ का है. और उम्मीद यही करके चल सकते हैं हम कि इसके साथ साथ रिवर्स अगर हम बात करें बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, तो हम लोग एल्युमिनियम फ्रेम की भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेके आने का प्लान कर रहे हैं. और FY26 मतलब आज से 2 या 3 साल बाद कंपनी सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में भी जाने का प्लान कर रही है. वाओ सर, वेरी गुड विजन फ्रॉम योर साइड. सर, आई रिसेंटली हर्ड अबाउट द IPO एज वेल, सो कैन यू एनलाइट मी अबाउट दैट टू? देखिए, कंपनी ने अपनी जो फंड्स की या पूंजीगत रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि हम रेगुलर जो भी हमारे जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो या अपने कैपेक्स इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट हो, हम लोगों की मैक्सिमम जो रिलायबिलिटी या फिर डिपेंडेंसी रहती है वो बैंक्स के ऊपर रहती है, और बैंक्स की एक अपनी हैडल रहती है. बैंक्स को उनसे लोन लेना, उनके फाइनेंशियल प्रोसीजर को पूरा करना बहुत एक टिपिकल प्रोसेस होता है और टाइमली भी नहीं होता है. तो हमने ये 2 साल पहले हमने ये प्लानिंग करी थी कि हम क्यों इस सेक्टर को या सोलर इंडस्ट्री को और अपनी कंपनी को इस बैंकिंग की डे टू डे वाली होनी प्रॉब्लम से दूर करें और अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग मार्केट में जाएं. तो यही सोचते हुए जो हमने अपनी प्लानिंग करी थी, और उसी प्लानिंग के तहत हम इंसुलेशन एनर्जी की को, जो कि हमारी कंपनी इंडिया की फर्स्ट कंपनी रही सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर, हम लोगों ने अक्टूबर 2022 में अपनी कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया. हमने एक बहुत नॉमिनल प्राइस में अपनी लिस्टिंग करी थी, 38 रुपीज पे हमने अपने शेयर ऑफर किए थे मार्केट में, और उस हमारा जो शेयर था या IPO था अराउंड 184 times सब्सक्राइब हुआ था, जो उस समय का BSE का हाइएस्ट एक तरीके से SME बोर्ड का सब्सक्रिप्शन था. कंपनी की लिस्टिंग बहुत अच्छी रही थी, 38 रुपये का शेयर था हमारा, फर्स्ट डे लिस्टिंग पे जस्ट डबल या उससे ज़्यादा लिस्ट हुआ था, और डे बाई डे मंथ बाई मंथ कंपनी ने अपने रिजल्ट्स भी दिए. इन्वेस्टर्स का बहुत अच्छा हमारे पास साथ रहा, और आज उसी कमिटमेंट और क्वालिटी जिसको मैं बोलता हूँ उसी का आज नतीजा है कि 38 रुपीज का जो शेयर हमने कंपनी का अपना मार्केट में ऑफर किया था, आज समवेयर अराउंड
अप टू अपने हाई पीक पे अराउंड 1285 तक पहुंच गया और कंपनी की मार्केट कैप 2500 करोड़ पार कर गई। वाओ सर, दैट्स अ ह्यूज सक्सेस, दैट्स रियली गुड न्यूज। बहुत अच्छा भी लगा इस चीज को देख के। सर, आप मुझे आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे या फिर कुछ आपकी न्यू लर्निंग्स, कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे अपकमिंग ग्रोथ, अपकमिंग न्यू टैलेंट्स के लिए कुछ बताना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि पास्ट एक्सपीरियंस में आपको कोई भी काम आप शुरू करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, अपनी एक्सपर्टीज बनाइए किसी भी काम में, और क्वालिटी और कमिटमेंट, अगर आप मार्केट में हैं तो उसको आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे लेके जाएंगी। और आगे आने वाले यूथ को मैं ये कहूँ, सोलर सेक्टर बहुत अच्छा है, आप इसमें अपने फ्यूचर को आप इसमें देख सकते हैं, अपनी स्किल्स को आप इसमें डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप इनिशियली अपना टाइम दीजिए, समझिए मार्केट को, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, आप प्लांट मेंटेनेंस में जा सकते हैं, आप सेल्स के लिए जा सकते हैं, मार्केटिंग के लिए अपना फ्यूचर इसमें देख सकते हैं, आप HR में जा सकते हैं, आप फाइनेंस में इसके साथ जा सकते हैं, फाइनेंस बहुत बड़ा सेक्टर सोलर के साथ अभी डेवलप होने वाला है, तो बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स हैं सोलर इंडस्ट्री में जिसके साथ आप आगे जा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से आप काम कीजिए, टाइम दीजिए, तो डेफिनेटली सोलर, जैसे कह रहा सूरज भगवान की इस पर कृपा है, तो ब्राइट है फ्यूचर, आप लगे रहिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दैट्स ग्रेट सर। सर लास्टली बस एक या दो लाइन आप EQ के लिए कुछ बताना चाहेंगे? EQ, मैं सालों से EQ के साथ जुड़ा हूँ, EQ की टीम या आनंद जी मेरे खूब बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं सालों से उनको अच्छी तरह जानता हूँ। EQ ने आज जो सोलर इंडस्ट्री की जो भी नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं सोलर इंडस्ट्री के, वो आगे बढ़ाने के लिए जितने भी इनपुट्स हैं नेशनली इंटरनेशनली, EQ डेफिनेटली एक ही ऐसी मैगजीन है इंडिया के अंदर जो डेडिकेटली सोलर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए लगी हुई है, तो हमारी शुभकामनाएं EQ और EQ की पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच सर।